अरे बच्चों, एक भेड़ के बच्चे की कहानी। जो नदी में पानी पीने आया था, वहां कुछ फासले पर एक भेड़िया भी पानी पी रहा था। अभी इस बच्चे ने चंद घूंट ही पिए थे कि भेड़िए की तरफ आया और बोला, तुम पानी गंदा क्यों कर रहे हो? देखते नहीं हो मैं पानी पी रहा हूँ? भेड़ के बच्चे ने, जैसे मेमना भी कहते हैं, डरते हुए कहा, जनाब आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है पानी। भेड़िया गरज कर बोला, तुमने पिछले साल मुझे बुरा भला क्यों कहा था? जनाब पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 6 महीने है। फिर वो तुम्हारे भाई या बाप होगा, भेड़िए ने कहा और मेमने पर हमला करके उसे खा गया। लेकिन बच्चों, ये कहानी इस मेमने की नहीं है, इसके छोटे भाई की है। वो अक्सर अपनी माँ से अपने बड़े भाई के बारे में पूछा करता था। उसकी माँ उसे कहानी सुनाती और साथ ही ये ताकीद करती कि नदी पे पानी पीने न जाना। तो फिर मैं कहाँ पानी पीऊँ, वो अपनी माँ से पूछता। तो सिर्फ एक ही नदी है, तुम उस वक्त पानी पी लिया करो जब भेड़िया दूसरे बड़े जानवर वहाँ ना आते हो, उसकी माँ कहती। नदी पे पानी पीने जानवर अमूमन सुबह और शाम के वक्त आते थे, इसलिए मेमना दोपहर के वक्त पानी पीने आता था। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन डाल सकता है। मेमने का सामना भेड़िए से होना था, सो होकर रहा। और कुछ इस तरह के दोपहर मेमना नदी में पानी पी रहा था, उसे दूसरी तरफ भेड़िया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेमना संभल कर खड़ा हो गया। तुम पानी क्यों गंदा कर रहे हो? देखते नहीं मैं पानी पी रहा हूँ, भेड़िए ने हंसते हुए चालाकी से कहा। लेकिन जनाब पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, मेमने ने कहा। तुम पिछले साल मुझे बड़ा वाला कहा, भेड़िए ने पुरानी चाल चली। जला वो मैं नहीं, मेरा बड़ा भाई था और आपने उस बेचारे को खा लिया था। मेमने ने नदी के किनारे की तरफ खिसकते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ भी वही सलूक करूंगा, भेड़िए ने दांत निकालते हुए कहा और मेमने पर छलांग लगा दी। मेमना जल्दी से एक तरफ गया और भेड़िया उतरता हुआ नदी में जा गिरा। बरसात के दिन थे, नदी बहुत तेजी से बह रही थी। भेड़िए ने तैर कर किनारे पर आने की बहुत कोशिश की, मगर पानी का तेज बहाव उसे दूर बहा ले गया और देखते ही देखते भेड़िया पानी में डूब गया। छोटा मेमना आराम से चलता अपने घर पहुंच गया। माँ ने भेड़िए को पानी में गिरा दिया और उसने अपनी माँ से कहा और फिर वो सारी गुजार सुना दी। माँ ने हैरत और खुशी से उसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर उसे अपने बहादुर बेटे का मुंह चूम लिया। प्यारे दोस्तों, कुदरत का निजाम है कि कुदरत चिड़ियों से भी बाज को मरवा देती है। इस कहानी का भी यही मकसद है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।